हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उड़द दाल और मसूर दाल की पकौड़े की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब भी घर में कोई हरी सब्ज़ी ना हो तो आप इस तरीके से दाल के पकौड़े की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसको किसी के साथ भी खाइए, रोटी या चावल के साथ। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, दाल को हमने रात में भिगो दिया था। आधा कप मसूर की दाल है और आधा कप उड़द की दाल है, एक कप दाल है। और ये अच्छे से भीग गया है तो हमने इसको धुल के इसका छिलका उतार लिया है। तो चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं एक मिक्सर जार में। और यह हमने एक मिक्सर जार लिया है तो इसमें हम दाल को डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें ढक्कन लगा के हम इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए, दाल को हमने एकदम बारीक पीस लिया है पकौड़े बनाने के लिए। तो हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हमने लिया आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच से भी कम है हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। और ये देखिए, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के रख दिया, ऑयल गर्म हो गया है। तो हम इसमें पकौड़े डालेंगे चम्मच की हेल्प से। ये देखिए, इससे हाथ में भी नहीं लगता और बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाता है। और अब हम इसको लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, नीचे की तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम इसको दूसरी साइड में पलट देंगे। और ये देखिए, पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं तो हम इसको निकाल लेंगे। और अब इसी तेल में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा चटक रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। और इसको हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। ध्यान रखें, गैस को मीडियम रखें ताकि मसाला जले ना। और अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को हम एक मिनट चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज लहसुन का पेस्ट और मसाले को हम तेल छोड़ने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमारा भून गया अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो लगभग हम डेढ़ से दो गिलास उसमें पानी डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे पानी। उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। तो ये देखिए, उबाल आ गया अच्छे से। और अब हम इसमें जो हमने पकौड़े बना के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे इसको, थोड़ा सा चला देंगे। और थोड़ी देर हम इसको लगभग दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसको और पकाएंगे।
और ये देखिए सब्ज़ी हमारी पक रही है और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लगभग हमारी सब्ज़ी पक चुकी है तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब भी घर में कोई हरी सब्ज़ी ना हो तो आप इस तरीके से दाल भिगो के और उसकी सब्ज़ियाँ बना के खा सकते हैं। रोटी चावल के साथ किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।